ये तस्वीरें हैं गुजरात के गोमती घाट की, जो कि द्वारका में स्थित है। पहले यहाँ घाट किनारे लोगों का तांता लगा रहता था और खूबसूरत नज़ारे और तरोताज़ा हवा का लुत्फ उठाने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते थे। वहीं बोटिंग में भी लोग दिलचस्पी रखते हुए समंदर की सैर करते थे। लेकिन आज नज़ारा ही कुछ और है। आज गोमती नदी घाट पर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि गुजरात के समुद्री तट पर चक्रवात बिपरजॉय का साया मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए मछुआरों को भी समंदर किनारे न जाने के संदेश दिए हैं, जिसके चलते उनकी परेशानियां भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। गुजरात पर चक्रवात बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है और दिन ब दिन ये विकराल रूप लेता चला जा रहा है। साथ ही तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी भी इस विकराल चक्रवात का खतरा टला नहीं है और गत भविष्य में ये मानसून पर भी बुरा असर डाल सकता है। इन्हीं सारी बातों के मद्देनज़र द्वारका के कई समुद्री घाटों को बंद कर दिया गया है और मछुआरों को भी समंदर में ना जाने की हिदायत दी गई है। साइक्लोन को मद्देनज़र रखते हुए सावधानी के रूप में द्वारका स्थित शिवराजपुर बीच प्रवासी के लिए 15 तारीख तक बंद कर दिया गया है। उसी तरह से ओखा और बेट द्वारका के बीच जो फेरी बोट सर्विसेज चल रही है उसको भी सावधानी के मद्देनज़र बंद किया गया है। फिशरमैन्स को भी फिशरीज डिपार्टमेंट और कलेक्टर साहब की द्वारा सूचना है कि फ़िशिंग के लिए अभी समंदर में ना जाए।